शहर कायद में मुसाफिरों को रोड पर इफ्तार कराने के लिए ZJ ट्रांसपोर्ट सर्विस की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया। कराची के तकरीबन 2000 से जायद मकामात पर रोजाना की बुनियाद पर इफ्तारी कराई जाती है, जहां खजूर, शरबत, फल और दीगर खाने का सामान शहरियों में तकसीम किया जाता है। इस मौके पर इफ्तार का एहतमाम करने वाले जिशान अहमद और जवाद शेख का कहना था, गुज़िश्ता 3 साल से ये इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हम लोग यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन करवाते हैं, रमजान के उसमें 3-4 दिन करते हैं और राशन भी चलता है, यहाँ पर राशन भी बांटते हैं और यहाँ पर रमज़ानों में अलग कर सबके लिए वो कर रहे हैं रमज़ान में। बस दुआ के वो है, दरख्वास्त है सबसे। फैमिलीज भी आती हैं, गरीब लोग भी हैं, जो भी आता है फी सबीलिल्लाह हम सबको बिठाते हैं, किसी को मना नहीं करते। इसमें हम बिरयानी भी होती है, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती है, कभी कोई खजूर दे जाता है हमें, और इसमें शरबत होता है, कभी दूध वाला भी होता है, कभी नॉर्मल शरबत होता है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। कराची की सड़कों, बस स्टॉपों, चौराहों और दीगर अवामी मकामात पर अपनी मदद आप के तहत इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जहां इफ्तार के वक्त घर न पहुंचने वाले शहरियों और मुसाफिरों को रोजा इफ्तार कराया जाता है। कैमरामैन साकिब अली के साथ जैन अंसारी, C110 न्यूज कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।